बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली शाह, एमएम न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कादरी हाउस में और आज हम बात करने के लिए आए हैं सरबरा सुन्नी तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एयाज कादरी के साथ, और गुफ्तगू का मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और सहाबा किराम की अज़मत के हवाले से ये हमने डिस्कस करना है। और सरवत एयाज कादरी साहब से हम मालूम करते हैं कि क्या तकाजे हैं अज़मत सहाबा के और अज़मत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका वरफान अलका ज़िक्र सदकल्लाज़ीम। यकीनन हम जिस ज़ात मुबारका के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए कुरान फरमा रहा है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको दोनों जहाँ के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। मुस्लिमीन नहीं है, रहमतल लिल आलमीन है, दोनों जहाँ सारे आलम तमाम मज़ाहब के लिए यकीनन रहनुमा हैं, रहबर हैं, और बहुत तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। इसी तरह सहाबा इकराम के लिए भी फरमाया, इसी तरह अहले बैत अतहार हैं इनके लिए भी फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करे, ये हदीस शरीफ के अल्फाज है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत करे वो अल्लाह से मोहब्बत करे, जो इनसे बुक्स रखे वो रब से, वो मुझसे बुक्स रखे वो रब से बुक्स रखे। और बल्कि और इससे आगे जाके कुरान ये भी फरमा रहा है कि हम पढ़ते हैं, रब फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो। अब यकीनन जो ईमान वाला है उसके ऊपर ये लाजिम है, ये मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ए ईमान वालों। मुसलमान तो हर शख्स अपने आप को कह रहे होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इस जुमले पे गौर करने की बात है कि ए ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तुम भी दुरूद भेजो। अब हम आज जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हुजूर की सुन्नतों के, हुजूर के बताए हुए मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। फिर एक दफ़ा आगा करीम ने फरमाया कि ला नबी बादी, ला नबी बादी, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर मेरे बाद नबी होते तो उम्र फारूक, फारूक के आज़म नबी होते, तो एक ये भी दरवाज़ा ख़त्म नबूवत के मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और उसके बाद यकीनन इस मौजू पर भी गुफ्तगू करना, जिसका आइन और कानून हमारा में सब दर्ज है, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, 74 के आइन में सब चीज़ें मौजूद हैं। इन मामलात सहाबा इकराम की तौहीन हो, शायर इस्लाम की तौहीन हो, मुकद्दस साथ हस्तियों की तौहीन हो, यकीन उसके लिए आपके पास कानून मौजूद है। असल मसला क्या है? मसला यह है कि उस कानून पर अमल दरामद नहीं है, उसकी रिट नहीं है। हम मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की तारीख में किसी को इस 295 CABC के तहत कोई सज़ा हुई हो, और यही वजह है कि आज ये हमारी हुकूमत और हमारे इदारों की मुजरमाना खामोशी, ये बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा भी हो सकता है। एक जो बड़ी एक मैं मज़ीद आगे बढ़ने से पहले कि पाकिस्तान के जो हालात हैं या दुनिया में तमाम मुसलमानों के जो हालात हैं वो मेरे और आपके सामने, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये शायद नहीं चाहते कि मुसलमान एक जगह जमा हों, इकट्ठे हों, उनके अपने इस्तेमाल जो कुवतें हैं वो हमें डिस्टर्ब रखना चाहती हैं, तो वो समझती हैं कि मज़हब के नाम पर जल्दी एक्सप्लॉइट होता है मुसलमान। जो हुजूर से इश्क करता है, हुजूर का दीवाना है, हुजूर सहाबा अहले बैत, ये ईमान का हिस्सा है हमारे, इन पर अपनी हमारी जाने कुर्बानों का, वो मुसलमान वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत और आबरू को आकत की नामूस पे, सहाबा की नामूस पे, अहले बैत की नामूस पे कुर्बान ना कर दे। जब ये आपके ईमान का हिस्सा है तो फिर हमारा किसी का जान देना कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमारे हुक्मरानों को, हमारी रियासतों को सोचना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल स्कीम के तहत सोची समझी साजिश के तहत ये मुसलमानों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, चाहे बर्मा में मुसलमानों का कत्ल आम हो, कश्मीर में हो, फलस्तीन में हो, कहाँ है अक़वामे मुत्तहिदा, कहाँ है यूनाइटेड नेशन, कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले, क्या उनको ये खून खराबा नज़र नहीं आ रहा था?
अगर एक मलाला का वाकया हो तो पूरी दुनिया में तसादुम शुरू हो जाता है, अगर एक पूरी दुनिया की एजेंसियां तो और ह्यूमन राइट्स चीख रही होती है। दूसरी तरफ एक और मिसाल आपको देता हूं, अमेरिका के अंदर एक काले के साथ गोली मार दी गई, आपने देखा पूरा यूरोप चिल्ला रहा है, पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि ये तजलील है, इंसानियत की तजलील है। तो वो तो रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो तो इंसानियत के तो दर्स लेकर आए थे। 40 साल उनकी जो तरबियत थी, मोहब्बत, प्यार, रवादारी, बर्दाश्त, सबर, तहमुल, कहाँ है वो आज? वो तो हम सब पर फर्ज है, जो जिनका हुजूर पर ईमान है, जो हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं, जो जिसका ईमान है हुजूर की मोहब्बत पे, वो यकीनन मैं समझता हूँ कि उनके अंदर ये चीज़ें नजर आती हैं। यही वजह होगी आपने देखा कि पाकिस्तान भी अब मुसलसल ये वाकयात हो रहे हैं, फ्रांस में खाके बनाए जा रहे हैं, डेनमार्क में वाकया हो रहा है। आज यूरोप के बड़ी एक लार्जर बेंच ने जज की, जिसमें 5 या 7 रुकनी जज थे, उन्होंने फैसला किया है कि हुजूर की जात के ऊपर तनकीद करना या उसका मजाक करना या उसके बारे में तनकीद करना ये इजहार ख्याल नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये किसी की नबी की जात को, किसी की मुकद्दस हस्तियों को निशाना बनाना। यूरोप की अदालत ये फैसला कर रही है, हमारे तो आइन में दर्ज है ये सब चीजें, ये हमारे कानून में दर्ज है ये सारी चीज चीखें। बताए मुझे कितने लोगों को सजा हुई, इस्लामाबाद का वाकया होता है, इस्लामाबाद के वाकये के बाद बताएं आज वो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, उसके मिनिस्टर की सरपरस्ती में उसको इंग्लैंड भेज दिया गया, तो हमारी दिलाजारी नहीं है? हम अक्सरिया, हमारा मुल्क है, हम तो हमेशा इस्लाम के इस परचम को लेकर बैठे जिसके नीचे सबको अमान है, वहां पर अकलियतों को अपने से ज्यादा, हमारे आका करीम का हुक्म है कि अकलियतों को अपने से ज्यादा उनको वही फैसिलिटीज है, वो उन्हें वो जो पाकिस्तान आइन और कानून कहता है उनको सब कुछ मैसर है, उनसे ज्यादा। बताए मुझे कि 316 साल हुकूमत की हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने, मुझे बताए कोई मंदिर जला, कोई क्रिश्चियन का चर्च जला, कोई गुरुद्वारा जला, मुझे बताए 600 साल सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत की, 3 बर्र आजम पे, बर्र आजम अफ्रीका, बर्र आजम एशिया, बर्र आजम यूरोप, बताए मुझे कि कितने लोगों के घरों को आग लगाई गई सिर्फ मजहब और के बात में। हमें इस चीजों से निकलकर दुनिया के अमन के लिए तमाम मजाहब को एक दूसरे का अदब और एहतराम करते हुए आगे बढ़ना होगा। यूनाइटेड नेशन फैसले नहीं कर पा रही कश्मीर के बारे में, लेकिन वहां पर एक काले का मसला हो जाए तो पूरी दुनिया चिल्ला रही है। हमारे हुजूर की जात के ऊपर आप करें तो एक सच्चा मुसलमान जिसके दिल में ईमान का एक जरा सी भी रमक है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वजह, ये पता उन यूरोप को भी है, ये उनके ऐवानों को वजह पता है, तो जब ही आज यूरोप के जजों के पैनल ने कहा है कि ये हुजूर की तौहीन करना ये जुर्म है, ये जुर्म है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की भी बात करते हैं, आज वो इस्लामाबाद का वहाँ क्या हुआ, उस पर FIR लॉन्च हुई, उसको फौरन गिरफ्तार होना चाहिए था। हैं आप या हमारे मस्जिद का एक इमाम करें, आप रात को छापा मारते हैं और उसको उठा के लेके चले जाते हैं। आज आप ये मुझे बताएं कि जो उसके बाद का वाकया हुआ, अगर उसको सजा होती तो क्या 10 मुहर्रम को जो तकफीर की गई हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, हजरत अबू सफियान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, बीबी आयशा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में, जिनसे लाखों हदीसें हैं, जिनकी हुरमत कुरान बयान कर रहा है, जिनकी कुरान की आयतें मौजूद हैं, जो हुजूर की उनकी अजवाज मुतारात के बारे में बात करना, उनके सहाबा के बारे में बात करना, जिनको कह रहे मेरे आका करीम ये सितारों के मानी दे, जी अशर मुबशरा जो मैं 10 इन सहाबा के नाम है, जी चारों खुलफा राशिदीन के नाम है, जिनकी अपनी मेंबर शरीफ पर खड़े होकर जिनकी जन्नत की बशारत आका करीम दे रहे हैं, जिनका हम जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, जिनकी शरीयत पर हम चलते हैं, तो शरीयत का तहफ़ करना, उस शरीयत की हिफाजत करना, उतना उसकी नामों से रिसालत के लिए यकीनन हमारी जान भी हाजिर है। आज हम 10 मुहर्रम का वाकया हुआ, आज 295 है, एक पुलिस सिपाही की मुदियत में हो रही है, आज तमाम तंजीमें मिलकर इस चाहती हैं कि इस मामले को कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे। हमारी FIR है अभी तक नहीं कटी है, हम कोर्ट से ऑर्डर हो रहा है,
आज हम समझते हैं कि ये मुल्क इस इंतशार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माशी तौर की सूरत हाल आपके सामने, दुनिया नहीं चाहती मुसलमान एक हो, दुनिया नहीं चाहती ये मुल्क एक होकर जंग लड़े, इसलिए कि वो तवज्जो हटाना चाहते हैं, वो इसराइल की बात करते हैं, वो जाके अपना अजारादारी कायम करना चाहते हैं पूरी दुनिया पर, वो सुपरमैन बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सारे ताकत सब रब के पास है, अल्लाह ताला। सरद भाई ये बताइए कि जो सजाएं तजवीज़ की गई हैं कानून में, अगर उन सजाओं पर अमल दरामद होता है और जो मुजरमान है साबित हो जाता है जुर्म, उनको सजा होती है, तो इसके क्या फवायद होंगे? देखिए 29 जुलाई को जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको पता है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, वो कितने मतलब सोच समझ के, वो जोश से नहीं, उन्होंने तमाम तंजीमों को जमा किया। अमजदिया में इजलास हुआ, रेहान अमजद नुमानी साहब दारुल अमजदिया नुमानिया के अंदर, और वहाँ पर सब ने मिलकर बैठे, अगर जो वो होश से काम ना लेते थे तो आग कोई भी नहीं रोक सकता था ना, लेकिन हाँ हमारे अकाबरी ने कहा नहीं, ये पाकिस्तान बनाने में भी जिस तरह था इंशाल्लाह इसको बचाने के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगे, ये पाकिस्तान हमारी माँ है, इस वतन की हिफाजत, इस वतन की हुरमत भी हमारे लिए ऐसे ही है जैसे खिलाफ जैसे खिलाफ कुरान पाक की हम हुरमत करते हैं, तो हम समझते हैं कि इस वतन की इज्जत भी हमारे लिए ऐसे ही है। ये वजह है कि अकाबरीन ने 29 जुलाई को रियासती इदारों से, हुकूमत के इदारों से कहा कि देखें इसमें गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं इस अफरा तफरी के अंदर, इस मामले को एक्सप्लॉइट करने के अंदर, तो आप इसके ऊपर एक्शन करें। आज 29 जुलाई से लेकर आज हम क्या कहते हैं सितंबर में बैठे हुए, सही है, आज 4 सितंबर है, आप बताएं मुझे क्या एक्शन हुआ, क्या कि कितने लोगों को, क्या सरगोधा में जाएं, चकवाल के अंदर जाएं, आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है इसलिए कि आपने उसके अंदर 295C का तो सजाए मौत है, मुझे पता है किसी एक को सजाए मौत दी गई है, हमने हम जब तक कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे, ये इन कानून खाली वो शेल्फ में रखने के लिए नहीं है, आज हमारे चोर और डाकुओं के लिए तो हमारे सारे हमारे कोई अदालतें में कहाँ फैसला हो रहा है किसी के, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, मुल्क को खाया, मुल्क को, उनके लिए कोई फैसले हुए? जब नहीं होंगे अदालत में दोहरा म्यार होगा या हमारे मुल्क में कानून का दोहरा इस्तेमाल होगा, गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के और है, खान साहब तो कहते हैं हमें एक पाकिस्तान, दो पाकिस्तान में, तो क्या एक पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत को सिर्फ दीवार से लगाने के लिए सिर्फ अहले सुन्नत रह गए जो 99% यहाँ की अक्सरियत है? तो आज हम समझते हैं कि कानून की रिट कायम होनी चाहिए, रियासती इदारों को देखना चाहिए कि कौन है जो हमारे हमारे खारजी हो या अंदरूनी दुश्मन हो, कौन है हमारे मुल्क के दुश्मन, कौन है हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बाहर के लोगों को तो ये इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट हो या वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो कुछ हो रहा है मुसलमानों को बिखेरने के लिए, तो वो यकीन उन्होंने सबसे आसान हदफ ये वाला रखा है, मजहबी मुनाफरत फैलाओ, कौम फिरकावाद लाओ। अब एक बात और देखिए, 25 साल के बाद ये आग बुझी है, वरना यहाँ जनाजे कितने 70,000 जनाजे उठे हैं, आज कोई महफूज नहीं था, ना डॉक्टर ना प्रोफेसर ना स्कूल के बच्चे, कीमती कीमती ब्रेन दुनिया से चले गए, और कुछ जो थे वो दुनिया मुल्क से बाहर ड्रेन कर गए, मुल्क से बाहर चले गए। तो अब हमें सोचना है कि हमें मुल्क अगर अजीज है तो कानून की अमलदराबी, इंसाफ, अदल, इंसाफ का हमें भरपूर तरीके से भरपूर इस्तेमाल करना होगा, हमें गवर्नमेंट को हमारे इदारों को अपनी रिट कायम करनी होगी, वरना जो पेट्रोल का काम कर रहे हैं ये लोग, जो जज्बाती और ये इश्तियाल अंगेज तकरीरें कर रहे हैं, वो भी सहाबा इकराम के बारे में, अहले बैत के बारे में, वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा सरद भाई एक बात और बताइए कि आपका जो मार्च होने जा रहा है वो किस तारीख को हो रहा है, और उस मार्च से जो है वो क्या पैगाम दे रहा है? वो जैसा कि आपको पता है कि 12 सितंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह ताला उल्मा इकराम तमाम तंजीमात अकाबरीन की क़्यादत में, जिसकी क़्यादत फरमाएंगे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और उनकी क़्यादत में ये रैली का अहतमाम है, तमाम तंजीमात के सरबरा भी होंगे इसके अंदर, उल्मा होंगे, मशायख होंगे, और हर दर्द दिल जो इस वतन से मोहब्बत करता है, वो हर दर्द दिल जो सहाबा से इश्क करता है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है, जो आका की नाम उस पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता है, यकीनन सब आपको वहाँ नजर आएंगे। सिर्फ पैगाम ये देना है कि अपूरा मन मोहब्बत
प्यार, रवादारी, बर्दाश्त, आपका जो भी अकीदा है वो आप अपने कमरे में डिस्कस करो, अपने इदारे में जाके डिस्कस करो। ओपनली अगर आप कोई गुफ्तगू करोगे उसके ऊपर पाबंदी होगी, और उस पर मैं समझता हूँ कि रियासत को अपनी रेट कायम करनी चाहिए जो अभी तक नज़र नहीं आ रही। यही वजह है मजबूरन 29 जुलाई के बाद आज हम दोबारा बैठ के हम फिर ये बात कह रहे हैं कि यार इस चीज़ को आप देखें, और पूरा मन होगी, लोग देखेंगे तो मोहब्बत करने वाले इस वतन से, अपनी इस रियासत के साथ मोहब्बत करने वाले, और वो तमाम मामलात को समझते भी हैं, वो समझते हैं कि ये साजिश के तहत हो रहा है, वो सोची समझी साजिश के तहत इसको उस फिरका वारियत के हाथ में धकेला जा रहा है, ये उसके खिलाफ एक दीवार होगी। अहले सुन्नत इंशाल्लाह दीवार बनेगी इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने इदारों को बचाने के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए, आवाम की जान और माल के तहफ़ के लिए, और मोहब्बत का पैगाम होगा और वार्न होगा कि खुदारा 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 अदालत के तहत, आइन के तहत, कानून के तहत इन सबको पाबंद किया जाए, जो भी किसी मुबारक हस्ती के बारे में, जो भी इस्लामी मुकद्दसा के बारे में बात करे उसके सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए। आपके पास नजरियाती कौंसिल मौजूद है, आपके पास अपील कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आपके पास अकाबरीन मौजूद है, आप उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, अगर कोई ऐसे इल्मी मसला आता है वहाँ गुफ्तगू करें। ये यकीनन ये मुल्क के बेहतरी के लिए हमें सख्त तरीन फैसले करने। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मोहम्मद सरवत शाह कादरी साहब बड़े मुफसल अंदाज में जो है अज़मत साहबा के हवाले से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कुरान पाक की अज़मत के हवाले से बड़ी मुफसल गुफ्तगू फरमा रहे थे, और 12 सितंबर का इन्होंने बताया कि तमाम तंजीमात ने मिलकर जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की सरबराही में ये ऐलान किया है कि 12 सितंबर को एक मार्च होगा तिब्बत सेंटर तक, नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक ये मार्च होगा, और इसमें जो है मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा, और ये मुतालबा किया जाएगा कि जो अजमत साहबा, अजमत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अजमत इस्लाम, तमाम अजमत अहले बैत जिसमें से भी किसी ने गुस्ताखी की है उनको सज़ा होनी चाहिए, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कानून के तहत एक्शन होना चाहिए ताकि किसी किस्म के आगे बदमनी ना हो, लोगों के जज्बात जो मजरूह हो रहे हैं उससे कोई गैर मुल्की कुव्वतें फ़ायदा ना उठा सके, और ये एक अमन का और मोहब्बत का पैगाम जाए। जी।